गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फोर ऐसी सिली मिस्टेक्स जो मैंने की हैं अपने आईएलटीएस एग्जाम्स के दौरान, ड्यू टू विच मुझे 4 बार आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ा। उसके बाद भी क्या आउटकम रहा, क्या मुझे दोबारा आईएलटीएस देना पड़ेगा या नहीं, और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी ये मिस्टेक करे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी। माय नेम इज वैशाली। आज मैं आपके साथ आपके सामने आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। आईएलटीएस की सेकंड पार्ट है ये। अगर आपने मेरा आईएलटीएस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मेरा एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर बेस्ड एंड पेपर बेस्ड, तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी। आप वहां पे जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, देन कम बैक टू दिस पार्ट। सो यस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस, द हेल लॉट ऑफ ह्यूज एक्सपीरियंस विद आईएलटीएस। बहुत ही अच्छा बुरा दोनों एक्सपीरियंस गया है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यू नो द ड्रिल राइट? अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियोस बनाने का, फिर मैं आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं ला पाऊंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, 1 भी रुपया नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, एंड थैंक यू इन एडवांस। फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया था 20 जैन में दिया था मैंने, लेट मी चेक, 29 जैन को मैंने एग्जाम दिया था इन 2022 ओनली। एंड फर्स्ट टाइम मैंने जो सिलेक्ट किया था वो था पेपर बेस्ड एग्जाम, क्योंकि मैंने भी ऑब्वियसली आप लोगों की तरह बहुत सारी वीडियो सर्च करी थी और मुझे लगा कि ओके, पेपर बेस्ड में इट्स ईजी लिखने के लिए एंड ऑल, तो हमें पेपर बेस के साथ जाना चाहिए। तो मैंने पेपर बेस सिलेक्ट किया था 29 जैन को, और बहुत मेहनत की थी मैंने एग्जाम के लिए। बहुत नहीं एक्चुअली, मतलब मेहनत की थी क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, सब बोल रहे थे इतना मुश्किल नहीं होता ये वो, यू नो, लोग एक एक हफ्ते में पढ़ के क्लियर कर लेते हैं। मैंने तो फिर भी 15 से 20 दिन प्रैक्टिस की थी अच्छी खासी, और सब मॉड्यूल्स पढ़े थे, बढ़िया से प्रैक्टिस की थी, रीडिंग वगैरह घर में मेरे अच्छे स्कोर्स आ रहे थे, लाइक रीडिंग में भी मेरे 30-31 आ रहे थे, और लिसनिंग में भी आई वॉज स्कोरिंग वेरी गुड, 38 तक आई वॉज स्कोरिंग इन प्रैक्टिस व्हेन आई वॉज डूइंग इट एट होम। मैंने शायद थोड़ा सा लाइटली ले लिया था इसके पैटर्न को, मुझे लगा था सब तो कह रहे हैं 1 हफ्ते में हो जाता है क्लियर, 1 हफ्ते में पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो, बट मैंने प्रैक्टिस काफी अच्छे से की थी और मैं एग्जाम देने गई 29 जैन को। और पेपर बेस में आपको पता है कि 11 से 13 दिन में रिजल्ट आता है, तो मेरा रिजल्ट जो आ रहा था वो था 11 फेब को मेरा रिजल्ट आया था, और इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। मैं आपको आपके मेरे स्कोर्स बताती हूँ। मैं मेरे स्कोर्स जो आए थे सब में मैं पास हो गई थी, बहुत ही बढ़िया स्कोर आए थे। लिसनिंग में मेरे 6 आए थे, स्पीकिंग में मेरे 7 आए थे, राइटिंग में मेरे 6 आए थे, एंड रीडिंग में मेरे 5.5 आ गए। क्यों आए थे उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, और ओवरऑल स्कोर भी मेरा कम आया था, ओवरऑल मेरा 6 बैंड स्कोर आया था। और आपको पता है कि आपको कहीं पे भी अप्लाई करना है तो यू नो यू नीड 6.5 ओवरऑल बैंड एंड 6 इन ईच मॉड्यूल राइट। सो मेरा ये क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा था, तो 5.5 मेरे रीडिंग में आए। क्यों आए? क्योंकि जब मैं एग्जाम दे रही थी पेपर बेस्ड, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया है कि आपको रीडिंग सेक्शन में ना पेपर बेस में एक बड़ा सा क्लॉक आपके सामने बजता रहता है, टिक 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 टाइमर बजता है, और अगर बच्चे उसकी तरफ देखते हैं ना तो उनको स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ और पढ़ भी रहे हो तो इतनी जल्दी आप भूल जाओगे, अलग लेवल का स्ट्रेस आपको होता रहता है कि 10 मिनट्स रह गए, 5 मिनट्स रह गए, मैंने इस पैसेज पर 25 मिनट्स लगा दिए, बहुत स्ट्रेस होता है। और मेरा पता नहीं मैं इसको ब्लेम करूँ या क्या करूँ, या मैंने काफी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, मेरा क्या था, पैसेज 3 जो था रीडिंग का वो पूरा छूट गया था। यस, पूरा का पूरा मैंने एक भी क्वेश्चन में अटेंड नहीं कर पाई थी, एंड मेरे 60 मिनट्स ओवर होने ही वाले थे, मतलब 3-4 मिनट्स थे, मेरा थर्ड पैसेज पूरा बचा था, सेकंड भी मेरा मोर देन हाफ बचा था, मोर देन हाफ कह लो या 5-6 क्वेश्चंस मेरे सेकंड पैसेज में भी बचे थे। और मेरे को पता है कि लाइक उस टाइम हाउ आई वॉज फीलिंग कि यार, मतलब मैं ये बयान नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो आपने यार 14,500 रुपये पेपर पे लगाए होते हैं, आपका आगे बहुत कुछ प्लान होता है कि जैसे ही मेरा ये रिजल्ट आएगा हमें आगे कैसे क्या करना है, यू नो। तो मेरे को पेपर के टाइम में इतनी टेंशन होने लग गई कि मेरा दिमाग खराब हो रहा था, और टाइम तो था नहीं, कुछ नहीं कर सकते थे, तो व्हाट आई डिड जय माता दी, तुक्का लगाया मैंने, लिटरली सारे आंसर्स में मैंने तुक्का लगाया, मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है,
तुक्का तो लगा सकते हैं, मैंने सब में तुक्का लगा दिया एंड भगवान भरोसे सच में छोड़ के आ गई कि भगवान अब तुम्हारे भरोसे है, मुझे पास करा देना। बट भगवान ने मेरी नहीं सुनी, क्यों सुनते वो भी, है ना, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की ही नहीं थी घर पे अच्छे से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दो में लगाती थी टाइमर, लेकिन शायद मैंने बहुत लाइटली ले लिया था इसको, जैसे मैं कह रही हूँ मैंने काफी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी विद टाइम मैनेजमेंट। दो आई वॉज स्कोरिंग गुड एट होम, बट टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं किया तो देखा मेरे पेपर में कैसा हुआ, मेरे से क्लियर ही नहीं हो पाया वो 5.55, 14,000 भी वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ, सब कुछ मेहनत भी वेस्ट गई, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट का था, तो मुझे पहले पेपर से सीख मिली कि रीडिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा चलो फिर से देंगे, बट मैं फिर अपने पर्सनल स्टफ की वजह से थोड़ा बिजी हो गई थी, तो फिर मैंने एग्जाम दिया था। नेक्स्ट मैंने एग्जाम दिया था अपना 13 मई 2022 में मैंने एग्जाम दिया एंड दिस टाइम आई वेंट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो क्योंकि दोबारा दे रही थी तो मैंने सोचा कि ओके लेट्स ट्राई यू नो कंप्यूटर बेस्ड दिस वन, क्योंकि मैंने पेपर में देख लिया था पेपर बेस्ड में रीडिंग सेक्शन में बहुत टाइम वेस्ट होता है आगे पीछे करने में, और मैं इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी अपने रीडिंग सेक्शन के साथ। तो मैंने दोबारा से किया, ठीक है, पेपर दिया, कंप्यूटर डिलीवर्ड मैंने चूज किया इस बार, और इसमें रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था ऑलरेडी, मैं अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ इसमें आईएलटीएस में, तो आई थॉट टू गो विद कंप्यूटर बेस्ड में मेरा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा पेपर किया था मैंने, ट्रस्ट में बहुत अच्छा, मेरा स्पीकिंग भी अच्छा गया था, स्पीकिंग भी काफ़ी अच्छा गया था, लिसनिंग भी अच्छा गया था, रीडिंग भी मैंने बहुत सही किया था, टाइम से पहले मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर दिया था, और राइटिंग भी इट वॉज वेरी गुड। मुझे राइटिंग में थोड़ा बहुत लग रहा था कि मैंने लोचा मारा है, बट ठीक था, मुझे लगा कि चलो हो जाएगा। देन आफ्टर 3 डेज रिजल्ट केम एंड इट वॉज शॉकिंग अगेन, फिर से मेरे रीडिंग में 5.5 बैंड आए और बाकी में तो काफ़ी अच्छे थे। कंप्यूटर बेस में मैं आपको बताती हूँ मेरे एग्जाम कितने थे, लिसनिंग में मेरे फिर से 6 बैंड्स आए थे, रीडिंग में 5.5, स्पीकिंग में 6 आए हैं मेरे, राइटिंग में 6.5, राइटिंग में मेरे इंक्रीज हो गए, दो मुझे लग रहा था कि मैंने अच्छे से नहीं किया बट राइटिंग में मेरे 6.5 आ गए एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर द राइटिंग पार्ट। ओवरऑल भी मेरा क्राइटेरिया पूरा मैच हो रहा था बट रीडिंग में फिर से 5.5 आए, तो मुझे लगा कि भाई मैंने रीडिंग में सच में मैंने बहुत अच्छा किया था, मुझे नहीं पता कि मेरे 5.5 कैसे आ गए, बट आपको पता नहीं चलता क्योंकि कोई आंसर शीट आप लोग नहीं मंगवा सकते कुछ नहीं, तो क्या करती मैं, है ना, फिर से 15,000 कंप्यूटर बेस थोड़ा महंगा होता है, 100,000 रुपये महंगा होता है, तो फिर से मेरे पैसे इसमें गए वेस्ट। मैंने अब तो ठान ली, मैंने कहा अब चाहे जो हो जाए मुझे क्लियर करना है, मुझे ये था कि अब जो भी हो मुझे क्लियर तो करना ही है, हार नहीं माननी मुझे इतनी आसानी से। मैंने फिर से एग्जाम बुक किया क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी थी, मैंने इस आयल्स में आयल्स बुक 16 से लेके 9 तक की सारी सॉल्व की थी गाइस, सारी की सारी बुक्स 9 to 10 बुक्स मैंने सॉल्व की थी, जितने रीडिंग पैसेज हैं जितने लिसनिंग पैसेज हैं सब सॉल्व कर दिया था विद टाइमर एवरीथिंग, बट स्टिल घर पे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 35 तक मेरे रीडिंग में जा रहे थे, लिसनिंग में भी 35 जा रहे थे, और एग्जाम में ऐसा क्या हुआ पता नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट एग्जाम अपना बुक करा फॉर 29 में, पहले मैंने 13 मई को दिया, जस्ट आफ्टर 10 डेज मैंने 29 मई का एग्जाम बुक किया, अगेन कंप्यूटर बेस्ड। ओके कंप्यूटर बेस्ड में मैंने एग्जाम बुक किया मेरा, जब 29 मई को एग्जाम था ना, इससे पहले ही मेरा 27 के आसपास स्पीकिंग का शेड्यूल स्लॉट बुक था, तो मैं स्पीकिंग टेस्ट के लिए गई एंड आई आस्क्ड वन ऑफ द IDP स्टाफ ओवर देयर कि मैंने ना रीडिंग का काफ़ी अच्छा किया था बट पता नहीं मेरे स्कोर क्यों कम आए, तो आई डिस्कस्ड विद देम कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है एंड ये सब मैं उनसे डिस्कस कर रही थी, तो दे टोल्ड मी दैट आपको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो रीडिंग पैसेज में, लेकिन आप यूं ही ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हो पैसेज में से, मतलब आपके जो क्वेश्चन ड्रैग एंड ड्रॉप वाले हैं उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, लेकिन जो आपके बाकी क्वेश्चन है उसमें आप वर्ड को पैसेज में से लेके आंसर में ड्रॉप नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, एंड मैंने मोस्ट ऑफ द आंसर्स में ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, और वो कह रहे थे कि ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप करते हो इस तरह से तो वो आंसर आपका काउंट नहीं होता, चाहे वो आपका आंसर सही हो लेकिन वो आपका आंसर काउंट नहीं होगा। तब मुझे समझ आई ओ दैट्स व्हाई आई यू नो गॉट दिस मच बैंड, लो बैंड।
मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ, मैंने क्यों इतनी बेकार सिली मिस्टेक की पता नहीं, और उसकी वजह से मेरे 15,000 रुपीज वेस्ट गए, मुझे पता नहीं था। और आई थिंक ये आईडीपी वालों को बताना चाहिए बच्चों को, क्योंकि दे आर गिविंग द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्हें बताना चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है। अच्छे से वो लोग बताते नहीं है मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे ये नई चीज तब पता चली थी। तो आई वॉज लाइक ओके नेक्स्ट टाइम मैं अब टाइप ही करूंगी। तो मैं 29 मई को गई फिर से एग्जाम देने, और ट्रस्ट मी गाइस इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर था ना, बहुत ज्यादा, मतलब मेरा सर में इतना दर्द हो रहा था, मैं थक गई थी आईएलटीएस की प्रेप कर करके, और मेरे को था कि होगा होगा बट नहीं हो रहा था क्लियर, बट आई स्टिल यू नो था कि मेरे को एग्जाम देना है। और मैं ऐसे गायत्री मंत्र वगैरह सुन के गई कि मेरा दिमाग शांत हो। तो एग्जाम देने गई अंदर, एंड लिसनिंग टेस्ट से हमने शुरू किया। लिसनिंग टेस्ट में मेरा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बन रहा था इस बार, पता नहीं क्यों, मैं मेरा दिमाग वो जो एक आपको चाहिए होता है ना फ्लो टू लिसन द ऑडियो एंड टाइप ऑन द स्पॉट, नहीं आ रहा था वो, बट आई स्टिल समहाउ मैनेज टू कॉन्सेंट्रेट इन बिटवीन फर्स्ट पार्ट में ही। जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेट करने लग गई तैसे ही कांड हो गया हॉल में। क्या हुआ कि पता नहीं एक बच्चा खांसी करने लग गया बहुत तेज, यार उसने खांसी की कि मेरे हेडफोन्स के अंदर तक उसकी आवाज आ रही थी खांसी की, एंड मेरा पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन मैं बना रही थी वो पूरा गया पानी में, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और मेरा उसकी वजह से सेकेंड और थर्ड पैसेज ऑलमोस्ट कंप्लीटली छूट गया, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ ऑडियो चल रहा है कहाँ मेरा आंसर है, एंड मैंने उसमें तुक्का मारा, बट फिर भी मैंने कहा कि अभी मैं हाथ उठाऊंगी या कुछ बोलूंगी कोई मतलब नहीं है, तो मैंने कहा बेहाली कंप्लीट कर ले चल पहले, है ना। फोर्थ मैंने जो पैसेज होता है वो अच्छे से कंप्लीट किया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और मेरे सारे सही थे। फोर्थ वाला जो है कंप्लीट किया, रीडिंग बहुत अच्छे से मैंने किया था इस बार, राइटिंग भी मैंने काफी अच्छे से किया। एंड एट द एंड ऑफ द एग्जाम मैंने आईडीपी वालों से बोला कि जब एग्जाम खत्म हो गया मतलब गई मैं उनके पास, और मैंने बोला कि मेरा लिसनिंग में प्रॉब्लम हुआ है, कोई कैंडिडेट ने बहुत खांसी की थी जिसकी वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाया और मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो दे टोल्ड कि अच्छा मैंने तो सुना ही नहीं कि किसने खांसी की। मैंने कहा ओके आपने नहीं सुना बट खांसी तो की है क्योंकि मुझे सुनाई दी है, तो पता नहीं, वो कह रहा मैं वहीं था मुझे नहीं सुनाई दिया, बट आपको कंप्लेंट करना है तो आप कर सकते हो, बट आपका रिजल्ट बहुत डिले होगा, 2 मंथ्स 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, तो आप कर दो आपको करनी है कंप्लेंट। फिर आई थॉट यार 2-3 मंथ्स कौन वेट करेगा, मतलब रिजल्ट आना भी होगा पास होना भी होगा, 2-3 मंथ्स तो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा छोड़ो मुझे नहीं करनी कंप्लेंट। जनरली कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट 3 दिन में आ जाता है ना रिजल्ट, बट मेरा पता नहीं इसमें क्यों टाइम लग रहा था, मतलब 7 डेज के आसपास हो गए थे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था कंप्यूटर डिलीवर्ड का। तो आई थॉट अब रिजल्ट डिले हो ही रहा है तो मैं मेल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टिंक्शंस आ रही थी, इंस्टिंक्ट हो रहा था मतलब अंदर से कि यार मुझे करना चाहिए, गलत हुआ है मतलब मेरे साथ। तो मैंने मेल किया आईडीपी वालों को दो, और उसके अगले दिन रिजल्ट आ गया, तो दे डिडंट कंसीडर दैट मेल, उन्होंने कहा कि अब रिजल्ट आ गया है तो वी कैन नॉट फाइल योर कंप्लेंट एंड ऑल ऑफ दैट, सो कुछ नहीं हुआ। तो मेरी ये सिली मिस्टेक के कारण मेरा ये टाइम बर्बाद किया, पैसे बर्बाद गए, एवरीथिंग, एंड द मेंटल प्रेशर अगेन विच आई वॉज गोइंग थ्रू वॉज हेल, एंड बहुत कुछ यू नो होता है कि यार कब क्लियर होगा कब क्लियर होगा। दो इतनी नलायक तो मैं नहीं थी, और अपने आप के ऊपर डाउट होने लगता है कि यार क्या है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रही थी कि मैंने इतनी बार एग्जाम दिया, मैंने किसी को नहीं बताया था, अदरवाइज कोई क्या सोचते हैं आप इतनी नलायक हो सब क्लियर कर लेते हैं, आपसे क्लियर ही नहीं हो रहा। बट ड्यू टू दीज सिली मिस्टेक्स मेरा आईएलटीएस क्लियर नहीं हो रहा था, अगर मैं फाइल कर देती तो क्या पता कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है ना हॉल में गाइस, तो आपको इमीडिएटली कंप्लेंट करना चाहिए और एग्जाम नहीं देना चाहिए, ओके okay? तो ये मेरी एक सिली मिस्टेक थी। देन आई थॉट कि ओके कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने दोबारा एग्जाम बुक किया अगेन, एंड दिस एग्जाम आई बुक्ड फॉर 17 जून, क्योंकि मेरा बीच में ऑफिस वगैरह का कुछ काम था इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, तो मैंने 17 जून का बुक किया, क्योंकि मेरी तैयारी तो पूरी थी, मैं घर पे भी सब मैंने सारी बुक सॉल्व कर दी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या प्रैक्टिस करूँ, 9 के ऊपर भी कहाँ तक जाऊँ, स्टिल मैंने 7 बुक आया कैम्ब्रिज की बुक मैंने सॉल्व की थी, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट ये वो काफ़ी सारे सॉल्व किए थे। तो मैंने कहा प्रेपरेशन तो मेरी पूरी है भाई साहब, तो हम पेपर तो देंगे। तो 17 जून को मैंने फिर से कंप्यूटर बेस्ड चूज किया था अपने लिए, एंड 17 जून से पहले ही 2 दिन पहले मेरा स्पीकिंग था, वो भी मेरा काफ़ी अच्छा गया था।
स्पीकिंग में तो मतलब डर ही नहीं लगता है, ठीक है कुछ भी बोल दो, इट वॉज चिल. मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ सारे यू नो सेक्शन वाइज शेयर करूंगी कि कैसे मैंने प्रेप किया, क्या क्वेश्चंस आए, क्या था, एवरीथिंग आई विल शेयर. तो 17 जून को तो मैंने ठान ली कि वैशाली जी आपको आज तो क्लियर करना ही है एग्जाम, मतलब आज नहीं तो फिर बस, फिर तो मैं पक्का टूट ही जाती. मतलब फोर्थ टाइम मैं एग्जाम देने जा रही थी और इससे ज्यादा पेशेंस मैं अपने अंदर और नहीं ला सकती थी. मैंने बहुत ज्यादा यू नो अच्छे से नींद लेके गई मस्त मजे में. और मैंने पढ़ा था कि आप अगर च्युइंगम चबाते हो ड्यूरिंग द टेस्ट तो आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है. तो मैं नीचे गई थी, आईएलएस एग्जाम सेंटर के नीचे गई और च्युइंगम खरीद के ले आई 2-3. और यू नो मुझे लग रहा था कि वो चबाने वबाने नहीं देंगे, बट मैंने मुंह में डाल दी ऐसे ही और बीच बीच में यू नो आई वॉज च्युइंग दैट गम. और लिसनिंग में भी मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा था इस बार भी, बट मैं च्युइंगम चबाई और यू नो थोड़ा बहुत होता है कि नहीं करना है करना है करना है, बट मैंने अच्छे से किया. लिसनिंग मैंने बहुत अच्छे से किया, रीडिंग मैंने बहुत अच्छे से किया और स्पीकिंग भी अच्छा गया था मेरा और राइटिंग भी मैंने अच्छा किया था. एवरीथिंग वॉज रियली गुड. इस बार तो मुझे लग रहा था कि क्लियर हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बार. और मेरा रिजल्ट आया 3 दिन बाद, ठीक है. अगेन इट वॉज शॉकिंग फॉर मी कि भाई ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता. नो गॉड प्लीज नो 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 नो. स्कोर्स मैं आपके साथ इसके शेयर करती हूँ. सब कुछ मैंने अच्छा किया था, मेरे घर पे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, 35 लिसनिंग में भी, रीडिंग में भी. और मैंने इतनी मोटी डायरी है मैं आपको दिखाऊंगी अभी, मैंने पूरी भर दी थी. उसके अलावा भी एक नोटबुक थी वो भर दी थी प्रैक्टिस कर करके, फिर भी यार मतलब क्लियर नहीं हुआ. इस बार मैं किस में रह गई आपको बताती हूँ. मेरे लिसनिंग में इस बार आए 8 बैंड, मतलब 6 थे डायरेक्ट मेरे 8 बैंड्स आए. कैन यू इमेजिन कितनी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. रीडिंग में मेरे 6.5 आए विच वॉज ओके फाइन, मुझे कुछ था नहीं इसने. स्पीकिंग में मेरे 6 आए ओके और राइटिंग में मेरे इस बार आए 5.5. एंड आई वॉज शैटर्ड लिटरली कि क्या ये IDP वाले गेम खेलते हैं क्या हमारे साथ. मतलब उन्होंने एक पैसों का यू नो बिजनेस बना रखा IDP वालों ने, आपको किसी ना किसी में रहने देते हैं. मतलब फोर्थ टाइम मैंने एग्जाम दिया और मेरे साथ ये हुआ है. अब आगे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. तो स्टे ट्यून्ड, दिस वीडियो विल बी कंटिन्यूड क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया एंड आई यू नो विल एक्सप्लेन द फर्दर प्रोसेस इन द नेक्स्ट वीडियो. तो गाइज मेरे चैनल को आप तब तक सब्सक्राइब कीजिए एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट. और हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहिए अपनी मेहनत पे. और आगे की वीडियो बहुत जल्द डालूंगी, कमेंट करो मुझे, DM करो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे दे रही हूँ thatperfectjourney_. जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक है. और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज. Thank you, bye-bye, all the best. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah. You fade away.